तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बज रहा है डेढ़ बजे ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे को, और मेरा तो अभी फास्ट है, फिर भी मैंने नहीं नहाया है क्योंकि कुछ मतलब जल्दी उठ गए थे, 9 बजे उठ गए थे हम लोग। 9 बजे जल्दी होता है क्यों? क्योंकि यार मैं डेली 11 बजे उठती हूँ, इसलिए मेरे लिए 9 बजे जल्दी है। मतलब अभी अभी कुछ ज़्यादा ही सिस्टम हमारा चेंज हो गया है, क्योंकि रात में नींद नहीं आती है तो लेट उठते हैं। तो हमारे घर में थोड़ा सा काम आ गया था, हम सभी लोग बिल्कुल सभी लोग व्यस्त हो गए थे काम में, तो फिर इसलिए 1:30 बज गए। अब जाते हैं, नहाते हैं, फिर फटाफट पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, हम लोग नहा वहा के रेडी हो चुके हैं, और इसने यहाँ बैठ के ये रिश्ता क्या कहलाता वो देख रही है। और 4 बज चुका है अभी दिन के, और हम लोग काफ़ी टाइम पहले आ गए थे। कितने बजे आए थे इसने? 3:30 बजे। हाँ, 1 घंटा हो गया है हम लोगों को आए, तो बस बैठे हुए हैं हम लोग। मुझे तो 5 के दिन बहुत नींद आती है, तो मुझे नींद ही आ रही है। और इसने अब बैठ के क्या कर रही है? मैं नाटक देख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है ट्यूसडे, और आज हमारे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है, और हम लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है कि हम लोग को बाहर बैठना पड़ रहा है। मेरी हालत कैसी हो गई? तो अब घर में काम चलेगा तो हालत ऐसी रहेगी। अभी हम लोग ने नहाया भी नहीं, क्योंकि जब काम ख़त्म होगा शाम को नहाएंगे। घर में नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, परसों में डस्ट जम गई है, और शिखा दीदी ने बनाई है आज पाव भाजी। ये अंदर आते ही कितना ज़्यादा डस्ट डस्ट, ये देखिए मार्बल फर्स, देखिए कितना ज़्यादा डस्ट, पूरा डस्ट अंदर से लेके बाहर तक। किचन में सारे बर्तनों में डस्ट हो गया है। और शिखा दीदी ने बनाई है आज पाव भाजी। तो स्नेहा, क्या कर रही हो तुम? पाव गरम कर रही है। और ये वाला रूम देखिए, मम्मी पापा का रूम, ये देखिए कितना डस्ट, बाप रे डस्ट देखिए। मम्मी डस्ट देखो कैमरे में, ओटीएस में देख, खोल दे जाता। और ओटीएस में देखिए, ये देखिए डस्ट, पूरी डस्टी डस्ट। पता नहीं अब कितने दिन और काम चलेगा। ये बेड की हालत देखिए, मम्मी ने पूरा ढांक दिया है जिसमें गंदा ना हो। और मम्मी को देखिए, मम्मी भी पूरा देख रहे हैं। कंघी का कलर देखिए, तुमने ना लिया? नहीं, अभी गोरे हो जाओ जब तक पाउडर लग जाएगा। देखिए, और यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं। मम्मी झाड़ू दे दो मुझे। और अब मैं जाती हूँ ऊपर, ऊपर का दिखा देती हूँ। ये देखिए डस्ट, बाप रे ऊपर का देखिए, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रह ही नहीं रहा है। ये देखिए पूरा डस्टी डस्ट। ये सारा सामान हम लोगों ने कवर कर दिया है पॉलिथिन से। ये फोटो थी हमारी जिसमें चादर डाल दिया है। और देखिए एक रूम है जहाँ पे हो रही है यही पेंट निकल रहा है, वहाँ पे मशीन चल रही है। मंदिर की हालत देखिए, पूरी डस्टी डस्ट। ही देखिए कारपेट यहाँ का, और ये रूम है दीदी का। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही हो रहा है, यहाँ पे ही काम लगा हुआ है। ये देखिए डस्ट, ये देखिए मार्बल दिख ही नहीं रहा है, पूरा पाउडर पाउडर। और ये देखिए खिड़की, ये देखिए पूरा पर्दा। हाँ मम्मी, पूरा पाउडर ही पाउडर हो गया है। और इसके नीचे गद्दे भी हैं, इसके नीचे भी गद्दे भी हैं, पता नहीं अब गद्दे खराब। और ये फैन की हालत देखिए, और ये है वॉशरूम, वॉशरूम देखिए वॉशरूम।
ये नल देखिए, ये देखिए क्लोजअप, ये पानी देखिए पानी, चलिए तो अब चलते हैं नीचे। मम्मी ने झाड़ू मंगाई, ये झाड़ू लेके चलते हैं। झाड़ू देखिए यार, तो अब चलते हैं नीचे, नीचे चल के मिलते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स खाने में आज ये है पाव भाजी। तो फ्रेंड्स खाना वाना खा लिया और अब सभी लोग लेटे हुए हैं, थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा डस्ट है, बहुत ही ज़्यादा पूरे घर में डस्ट हो रही है और सभी लोग सो रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, सो रही है स्नेहा और बाकी मम्मी लोग सब बाहर बैठे हैं। देखे बाहर कैसे बैठे हैं, यहाँ पे चादर डाल दिया है। ये मम्मी है, ये शान, और ये देखिए यहाँ शान ने जुगाड़ कर लिया है कूलर का। शान सो गया है और मम्मी बैठी हुई हैं, बस सोच रही हूँ मैं भी सो जाती हूँ। फ्रेंड्स हम लोग सब उठ गए हैं और उठ के जो हॉल का, नीचे वाले हॉल का हाल देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हम लोगों के पूरे बाल कड़क कड़क हो गए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और नीचे की हालत तो देख के दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा डस्ट डस्ट हो गया, पूरे में हो गया, नीचे ऊपर ऊपर मतलब हर जगह। मैं भी आपको दिखा देती हूँ, सोफ़े वगैरह अभी नहीं थे वो भी हो गए। ये धूल ये देखिए, ये सोफे में पूरे में हो गया, अभी यहाँ नहीं था हो गया, यहाँ भी हो गया। जब हम लोग सोए तो बहुत ज़्यादा चली मशीन, तो पूरे में हो गया, ये ऊपर ये रेलिंग वगैरह हर जगह हो गया। अभी ऊपर जाएंगे अभी हम, जो कि हमारी हालत है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, क्योंकि हम मतलब जितने भी घर में रहते हैं सभी को डस्ट से एलर्जी है। मतलब अभी हम लोग आंगन में बैठे थे, अब अभी तो पूरा पूरा साफ होगा बाहर, फिर ठीक ठाक लगेगा। सीढ़ियों के हाल देखिए और ऊपर का हाल देखिए, ये देखिए और ये बालकनी, बालकनी तो ठीक ही ठाक है। चलो फिर चलते हैं नीचे, चलो। स्नेहा लगा रही है झाड़ू, क्योंकि अब शाम हो गई है, तो अब शाम होने के बाद मतलब हो ही गई है, तो अब जल्दी से थोड़े झाड़ू वाड़ू लगा के फिर हम लोग जाते हैं नहाने। अभी तो इसने झाड़ू लगा रही है, उसके बाद हम दोनों लगाएंगे पोछा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, सभी लोग काम में लगे हुए हैं। ये देखिए सभी लोग बिल्कुल काम में लगे ही हुए हैं, कोई कुछ। सभी नीचे की पूरी साफ सफाई हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं नहाने, और बज रहे हैं रात के 7:30, तो जल्दी से नहा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। हम लोग ने नहा लिया है और हम लोग का खाना वगैरह भी हो गया है, तो और रात के 10 बज चुके हैं। अब सोच रहे बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम दोनों, बहुत ही ज़्यादा, हम दोनों नहीं घर में सभी थक गए हैं, क्योंकि सभी लोग काम में लगे हुए थे, कोई फ्री तो बैठा नहीं था, सभी लोग थक गए होंगे। ये ब्लॉग मैं यही एंड करना चाहूँगी, ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।